प्रिय बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। परिभाषा, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे मदन पढ़ता है तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मदन कर रहा है, तो मदन कारक होगा। मदन का पढ़ने से प्रत्यक्ष संबंध है, मदन यहां पर कारक होगा। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग कारक के भेद को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।